गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर बने बंधवाड़ी गांव के 300 दलित परिवार आजादी के इतने साल बाद भी अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। इनका आरोप है कि गांव के दबंग इनको बस्ती तक जाने का रास्ता नहीं दे रहे। हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। कई बार तो क्या होता है, वो गांव के जो दबंग लोग हैं जिस रास्ते से हम गुजरते हैं वो लोग गाड़ी गलौज करके बच्चों को धमका के मारपीट के वापस भेज देते हैं। हम इस बात की कंप्लेंट करते हैं, आगे पुलिस वाले आते हैं लेकिन कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती, वो चले जाते हैं ऐसे कैसे। अब उस रास्ते में जो रास्ता था कच्चा पड़ा हुआ है उसमें पानी भर दिया गया जबरदस्ती से ताकि ये लोग निकले ही नहीं ऐसे। दलित बस्ती में आने जाने का बस एक यही रास्ता है। किसी के घर में शादी समारोह हो तो भारी दिक्कत आती है और किसी के घर में देहांत हो जाए तो शव को इस रास्ते से ही शमशान घाट तक ले जाना पड़ता है। इतनी प्रॉब्लम है आने जाने की और ब्याह शादी की, बहुत मुश्किल है। हमारा कोई सामान भी नहीं आ सकता, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, गाली गलौज रोज सुनते हैं जी हम तो। ये को हमारे साथ बहुत परेशानी हो रही है। हमारा रास्ता बन जाना तो ठीक है, हमारा नरक में पड़े हैं। दूसरी तरफ गांव के गुर्जर समुदाय का कहना है कि दलित दबंगई के गलत आरोप लगा रहे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हमने ना तो इनको कभी टोका है ना रोका है, कोई समस्या नहीं है हमारी तरफ से, लेकिन हमेशा ये हम पे आरोप लगाते हैं कि दबंगई दिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हमारी तरफ से। दलितों की पलायन की धमकी और आरोपों पर हमने गुरुग्राम डीसी से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। ये अभी आपने बताया है, अभी संज्ञान में आया है, इसकी जांच करा लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसा दबंग व्यक्ति किसी गरीब आदमी को तंग ना करे। दलित परिवारों ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा और डीसी साहब ने जांच का भरोसा भी दिया है। गुरुग्राम से दीपक आहूजा, न्यूज 18 हरियाणा।